इस वक्त की एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आपको बता दें, आज विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन, सदन में उठाया गया रेडी टू वेट का मामला। बीज सप्लाई को लेकर मंत्री भेड़िया से मांगी जानकारी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़े हुए हैं। मोहन, सदन में रेडी टू ईट का भी मामला उठा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, रेडी टू ईट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत महिला और बच्चों को पोषक आहार मिलता है, तो ये मुद्दा आज प्रश्नकाल में कांग्रेस के विधायक राम पुकार सिंह ने उठाया और ये अपनी विधानसभा से क्षेत्र से संबंधित वो सवाल पूछ रहे थे, जिसमें उनकी ओर से ये कहा गया था कि रेडी टू ईट में जो महिला स्वयं सहायता समूह को काम दिया जाना चाहिए वो काम नहीं मिल पाया है, तो कुछ जगह कुछ शिकायतें हैं, उन्हें दूर करने की बातों को लेकर ये चर्चा हुई है। हालांकि इस पर कोई ज्यादा बहस जैसी स्थिति नहीं बनी और मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पत्थल गांव का जो प्रकरण राम पुकार सिंह बना रहे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और उसके उनकी मांगों को जो है पूरा किया जाएगा। जी जी मोहन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आपको बता दें, आज विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन, सदन में रेडी टू ईट का मामला उठाया गया, नेता प्रतिपक्ष ने गौठानों से संबंधित सवाल भी पूछे। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गौठानों से संबंधित सवालों का दिया जवाब। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से।